अकॉर्डिंग टू कायरा हमारी इस हैप्पी लाइफ में किसी तीसरे की जरूरत नहीं। हमें ना अब कायरा को सब सच बता देना चाहिए। बॉलीवुड की सुपरहिट एक्ट्रेस काजोल का नाम लेते ही उनकी सारी फिल्में आंखों के सामने आ जाती हैं और साथ ही उनका मस्त मौला और चुलबुला अंदाज भी। काजोल 5 अगस्त को 44 साल की हो गई हैं। आज हम बात करेंगे काजोल की जिंदगी से जुड़े एक दर्दनाक हादसे के बारे में। तो आइए जानते हैं क्या है वो हादसा। एक्ट्रेस काजोल ने साल 1999 में सुपरस्टार अजय देवगन से शादी की थी। बता दें कि इससे पहले दोनों को साल 1998 में आई फिल्म प्यार तो होना ही था में एक साथ काम करते देखा गया था। वहीं शादी के दो साल बाद 2001 में काजोल प्रेग्नेंट थी, लेकिन किसी कारणवश बच्चे का मिसकैरेज हो गया था और दोनों को इस बात से बहुत बड़ा धक्का लगा था। लेकिन कुदरत ने उनकी दोबारा तब सुनी जब साल 2003 में लक्ष्मी के रूप में उनके घर में बेटी न्यासा ने जन्म लिया। इसके बाद तो दोनों की जान में जान आ गई। न्यासा 15 साल की हो चुकी है। ऐसे में साल 2010 में काजोल ने बेटे युग को जन्म दिया। युग अब 10 साल के हो गए हैं। इतना ही नहीं, अजय और काजोल दोनों बच्चों को लाइमलाइट में कई बार देखा गया है। वो अक्सर उनके साथ इवेंट्स में भी नजर आते रहते हैं। बॉलीवुड में रंगीला राजा के नाम से पॉपुलर गोविंदा की लाइफ में एक ऐसा वक्त आया था जब उन्हें होटल में मीडिया ने पकड़ लिया था। बात उन दिनों की है जब गोविंदा सुपरस्टार हुआ करते थे। उन दिनों गोविंदा किसी खूबसूरत अभिनेत्री के प्यार में पड़े हुए थे और उसी के साथ वो होटल में पकड़े गए थे। बस गोविंदा की यही गलती उनका परिवार बर्बाद करने वाली थी। 90 के दशक में गोविंदा काफी पॉपुलर थे, जिनकी फिल्में बनती ही सुपरहिट होने के लिए थी। चलिए जानते हैं कि आखिर किस अभिनेत्री के प्यार में पागल थे गोविंदा। रानी और गोविंदा की जोड़ी न सिर्फ पर्दे पर पसंद की जाती थी बल्कि पर्दे के पीछे भी पसंद की जाती थी। दोनों के बीच प्यार भी बहुत ज्यादा था। उन दिनों की अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार थे। वो इश्क में पूरी तरह से पागल हो गए थे। पर गोविंदा उस समय शादीशुदा थे, जिसका पता गोविंदा की पत्नी को चल गया था और उसके बाद गोविंदा का घर परिवार सब बिखरने ही वाला था। बताया जाता है कि गोविंदा को मीडिया ने होटल के एक कमरे में पकड़ लिया था और ये बात लीक हो गई थी, जिसकी वजह से सब खत्म होने की कगार तक पहुंच गया था। बताया जाता है कि रानी के साथ गोविंदा की इस हरकत से उनकी पत्नी काफी नाराज हो गई थी। वो अपने बच्चों को लेकर घर भी छोड़कर चली गई थी। गोविंदा और रानी दोनों के लिए मुश्किल ये थी कि गोविंदा शादीशुदा थे। हालांकि रानी मुखर्जी गोविंदा से शादी करना चाहती थी, लेकिन उनकी पत्नी ने रानी को धमकी दे दी थी। उसके बाद से रानी और गोविंदा कभी एक साथ किसी फिल्म में नजर नहीं आए। तब तक रानी भी ये समझ चुकी थी कि गोविंदा शादीशुदा और दो बच्चों के पिता हैं, तो ऐसे में उनसे दूर जाना ही सबके लिए बेहतर होगा। यही वजह है कि इस खूबसूरत जोड़ी के प्यार का अंत हो गया था। बॉलीवुड के बेबो यानी करीना कपूर खान गुड न्यूज देने जा रही हैं। दरअसल बात कर रहे हैं करीना और अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म गुड न्यूज की। वीरे दी वेडिंग की सक्सेस के बाद करीना कपूर खान को एक और फिल्म मिल गई है। वो करण जौहर की प्रोडक्शन की अपकमिंग फिल्म में नजर आएंगी, जिसमें अक्षय कुमार को भी साइन कर लिया गया है। फिल्म की कहानी सरोगेसी पर बेस्ड है। अक्षय को भी फिल्म की कहानी बहुत पसंद आई। फिल्म में वो करीना कपूर के पति की भूमिका में होंगे। वीरे दी वेडिंग के बाद करीना कुछ समय अपने बेटे तैमूर के साथ स्पेंड करना चाहती हैं, इसलिए करण जौहर की फिल्म नवंबर में शुरू होगी। हालांकि फिल्म के प्री प्रोडक्शन का काम शुरू हो चुका है। ये फिल्म 2019 में रिलीज होगी। वीरे दी वेडिंग में ग्लैमरस रोल से कमबैक कर चुकी करीना इस फिल्म में माँ के किरदार में दिखेंगी। करण काफी समय से ये चाह रहे थे कि करीना धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म करें। 2016 में आई की एंड का के बाद ही वो तुरंत ये फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन करीना के प्रेग्नेंट होने के बाद फिल्म लटक गई थी।
तैमूर के जन्म के 17 महीनों के बाद वो फिल्मों में लौटी हैं। अब जब करीना वापसी कर चुकी हैं, तो उन्होंने इस फिल्म को करने की इच्छा करण जौहर से जताई, क्योंकि वो पहले ही इस फिल्म की स्क्रिप्ट सुनकर उत्साहित थीं। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।